चिंची ना खटारा बसी कराची वालों की उम्मीद बराई। किस्मत जा गई वजीर आजम आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 15 रोज तक बसें ट्रायल पर चलाई जाएंगी। 25 दिसंबर से आवाम के लिए चलेगी। पहले मरहले में बस अंजानी टाउन से नुमाइश रंगी तक चलाई जाएगी। 80 जदीद बसों से यौमिया 3 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। वजीर आजम आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर का ट्वीट, लिखा वफाकी हुकूमत के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 5 में से 1 मनसूबा मुकम्मल हुआ। तमाम मनसूबे पर काम जारी है। हमने वादे किए और पूरे कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इफ्तिताह करने का शौक पूरा कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि तख्तियां लगाना झूठ बोलना आसान काम है। मुर्तजा वहाब बोले कि इमरान खान ग्रीन लाइन को जंगला बस सर्विस कहते थे, आज दूसरों के मंसूबों पर फीता काटा जा रहा है। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के गैर बरामदगी सनतों को गैर मुइना मुद्दत के लिए गैस की फरहमी बंद। फैसला घरेलू सार्फीन की तलब पूरी करने के लिए किया गया। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। घरेलू सार्फीन पहले ही गैस लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 अफराद प्यारों से बिछड़ गए। तादाद 28,812 हो गई। 313 नए केसेज रिपोर्ट हुए। शराब 0.72% रही। तुर्बत एयरपोर्ट बहाली मनसूबा 1 साल से ताखिर का शिकार। CAA ने वजीर आजम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 1 साल बाद भी तुर्बत एयरपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ। DGCA मलबा शोभा इंजीनियरिंग और प्लानिंग पर डालने लगे। खानपुर में 9 सरबाज औरतों ने घरेलू खावतीन को नगदी और जेवरात से महरूम कर दिया। घर से 7 तोला सोना 3 लाख रुपए ले उड़े। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 1 रोजा आइसोलेशन के बाद आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। T20 सीरीज 13 दिसंबर से कराची में शुरू होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।